हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। 1000 वीडियो प्लेज के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम कॉमर्स या अकाउंट्स रिलेटेड 1000 वीडियोस अपलोड करने वाले, जिसका फायदा यह होगा कि कोई भी एक ऑर्डिनरी कॉमर्स स्टूडेंट एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट बन सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पबजी के रेवेन्यू जनरेशन के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे फर्स्ट वीडियो गेम कब लॉन्च हुआ था? दोस्तों, फर्स्ट वीडियो गेम लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1958 में, जिसका नाम था पोंग। दोस्तों, अक्टूबर 1958 से लेकर आज 2018 तक बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। दोस्तों, इसी बीच आता है मार्च 2017 में प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, और दोस्तों ये गेम अब तक के सारे गेम्स के रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। दोस्तों, इस गेम का बनाने वाले शख्स का नाम है ब्रेंडन ग्रीन। बेसिकली ब्रेंडन ग्रीन आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने एक कोरियन गेमिंग कंपनी ब्लू होल गेम के साथ मिलकर एक गेम बनाया था। और दोस्तों, इस गेम को बनाने में जो फंडिंग लगी थी, उस फंडिंग का काम फेसबुक, एपिक गेम्स और टेंसेंट गेम्स द्वारा किया था। दोस्तों, मार्च 2017 में जब ये गेम लॉन्च हुआ था, तब एक्सबॉक्स और पीसी के प्लेटफॉर्म पे इस गेम को लॉन्च किया गया था। तब एक गेम की प्राइस थी $30। अगर आज के रुपए के हिसाब में कन्वर्ट किया जाए तो तब एक गेम की कीमत थी ₹2100। दोस्तों, जब जिन जिन लोगों ने भी मार्च 2017 में जब ये गेम लॉन्च हुआ तब प्री ऑर्डर किया था, उनको गेम के साथ साथ एक रेयर क्लोदिंग आइटम जो गेम खेलते समय काम आता है, जिसका नाम है बैंडेना, वो फ्री में मिला था। दोस्तों, अगर आज आप वो बैंडेना खरीदी करते हो या परचेस करते हो, तब आपको गेम के इन ऐप परचेस सिस्टम में से $1000 तक देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एक प्रो पबजी प्लेयर हो तो आपको पता होगा, जब मार्च 2017 में गेम लॉन्च हुआ था तब सिर्फ एक मैप था जिसका नाम है इरेंगल। उसके बाद एक डेजर्ट वाला मैप आया जिसका नाम है मीरामार, और हाल ही में इस साल समर 2018 में इन्होंने एक और मैप इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सैनहॉग, और अभी विंटर 2018 में एक नया मैप आने वाला है जिसका नाम है वाइकेंडी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पबजी अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, या पबजी को कैसे अपनी इनकम प्राप्त होती है। दोस्तों, पबजी का गेम अब तक 87 मिलियन लोगों ने पीसी पे खेल चुके हैं, और 10 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर्स इस गेम को मोबाइल पे खेलते हैं, और अब तक 227 मिलियन पीपल ऑनलाइन इस गेम को खेल चुके हैं। दोस्तों, पबजी के डेवलपर्स द्वारा फेब्रुवरी 2018 में एक इनकम रिपोर्ट उन्होंने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस की थी, और उस इनकम रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फेब्रुवरी 2018 में उनको 103 मिलियन का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पबजी प्लेयर्स हैं जो कि पबजी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल पर इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और दोस्तों, वो सब प्लेयर्स गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए पबजी के डेवलपर्स द्वारा कभी भी एक नया वेपन या नया टूल या नया इक्विपमेंट सोल्ड आउट करते हैं या परचेस करते हैं, इससे भी उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, अगर आप भी एक पबजी प्लेयर हो या पबजी खेलने के साथ साथ आपको भी पैसे कमाने का है, तो आप प्ले स्टोर पर जाके ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनको डाउनलोड करके उनके ऐप पर लॉगिन आईडी क्रिएट कर इस गेम को खेलने के साथ साथ पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, उस ऐप द्वारा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, और उस नोटिफिकेशन के जरिए अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते समय आपको एंट्री फीस 5 या 10 रुपये देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गेम जीत जाते हो तब आपके पेटीएम अकाउंट में 1000 से लेकर 1500 तक का बैलेंस आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस गेम को क्लासिक मोड पे खेला होगा, तो क्लासिक मोड पे खेलते समय 100 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उस 100 प्लेयर्स में से 70 प्लेयर बॉट्स होते हैं और 30 एक्चुअल प्लेयर होते हैं। दोस्तों, जब भी आपने इस गेम को खेला होगा तब आपने विनर विनर चिकन डिनर किया होगा। तो ये विनर विनर चिकन डिनर क्या है? दोस्तों, यूएसए में जब लोग पुराने समय में कार्ड्स का गेम खेलते थे, जिसे आज हम जुआ बोलते हैं, अगर कोई भी एक आदमी जुआ जीत जाता है तो उसको बाकी सारे प्लेयर्स को चिकन का डिनर कराना पड़ता है। इसीलिए उस कंसेप्ट को इन्होंने वर्चुअल माध्यम के जरिए हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, आपको पता है कि पबजी गेम जब मार्च 2017 में लॉन्च हुआ था,
तब उन्होंने सिर्फ थोड़ी एडवर्टाइजिंग की थी, लेकिन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम की एडवर्टाइज माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए हुई थी। लेकिन मिड 2018 में हमारे भारत में टीवी चैनल्स के ऊपर पबजी गेम की एडवर्टाइज हमें दिखाई दी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पबजी के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो का मेरा आपके लिए एक सवाल है, आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि पबजी गेम का फुल फॉर्म क्या है, और इस सवाल का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।